गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वी आर रीडिंग लेसन फर्स्ट, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। दिस लेसन इज फ्रॉम हनी ड्यू। सो वी स्टार्ट द लेसन। वी हैव टू रीड फ्रॉम पैराग्राफ फ्रॉम लास्ट पैराग्राफ ऑन पेज नंबर 12। आई वुड प्रेफर क्रिकेट, आई टोल्ड हिम। Then we Tommies could be sure of winning, probably. I would prefer cricket. यानी कि मैं क्रिकेट को ज़्यादा पसंद करूँगा। I told him, मैंने उसको बताया। जो स्टोरी अभी तक हमने रीड की है, ये एक लेटर है जो कि जिम मैकफर्सन ने अपनी वाइफ कोनी मैकफर्सन को लिखा हुआ है। और इसमें हम पढ़ चुके हैं कि जर्मन जो सोल्जर्स थे वो ब्रिटिश सोल्जर्स के पास आए हुए हैं नो मैंस लैंड को क्रॉस करके, और दोनों आपस में अब बातें कर रहे हैं। और अब वो बातें कर रहे हैं कि वो एक फुटबॉल मैच खेलेंगे, और इसीलिए जिम मैकफर्सन जो है वो हैंस वुल्फ को कहते हैं कि मैं क्रिकेट खेलना ज़्यादा पसंद करूँगा। देन वी टॉमीज कुड बी श्योर ऑफ विनिंग, प्रोबेबली। प्रोबेबली में संभव है कि हम जो टॉमीज यानी कि हम ब्रिटिश सोल्जर्स जो हैं, हमारा जीतने का जो एक तरह से दावा है वो पक्का होगा, मजबूत होगा, या हमारी जो विनिंग है वो श्योर होगी, हम जीत सकेंगे, क्योंकि जो क्रिकेट है वो इंग्लैंड का गेम है। वी लाफ्ड एट दैट, और हम इस पे हंसे। एंड टुगेदर वी वॉच द गेम, और हमने इकट्ठे बैठकर गेम देखा। सैड टू से, पर फिर कहता है वो कि ये कहते हुए तो बड़ा खेद हो रहा है कोनी फ्रीस्ट वन, कि जो जर्मन सोल्जर्स थे वो जीत गए 2-1, और वो एक के मुकाबले 2 से जीत गए। बट एज हैंस वुल्फ जेनरसली सेड, आवर गोल वॉज वाइडर देन देयर्स। पर जो हैंस वुल्फ थे उन्होंने बड़ी उदारतापूर्वक कहा कि हमारा जो गोल था यानी कि ब्रिटिशर्स का, वो एक तरह से ज़्यादा ज़ोरदार था, ज़्यादा मजबूत था देन देयर्स, उनके गोल के मुकाबले। सो इट वॉज नॉट क्वाइट फेयर, इसलिए ये फेयर बात नहीं है, यानी कि सही नहीं है। द टाइम केम, और फिर टाइम बीत गया। एंड ऑल टू सून व्हेन द गेम वॉज फिनिश्ड, और फिर जल्दी ही जब खेल समाप्त हो गया, द स्नैप्स एंड द रम एंड द सोसेज हैड लॉन्ग सिंस रन आउट, और हमारे पास जो भी सामान था खाने पीने का वो सब लॉन्ग सिंस रन आउट, वो काफ़ी देर से ही ख़त्म हो चुका था। एंड वी न्यू इट वॉज ऑल ओवर, और हम जानते थे कि अब सब ख़त्म हो गया, यानी कि जो हमारे बीच में गेम खेला जा रहा था, जो हम अपने डिशेज को शेयर कर रहे थे एक दूसरे से, अब ये सब ख़त्म हो गया। आई विश्ड हैंस वेल एंड टोल्ड हिम आई होप्ड ही वुड सी हिज फैमिली अगेन सून, और मैंने हैंस वुल्फ को विश किया। एंड टोल्ड हिम, और उसको कहा, आई होप्ड कि मुझे उम्मीद है, आशा है, ही वुड सी हिज फैमिली अगेन सून, कि वो जल्दी ही अपने परिवार को दोबारा से मिलेगा। दैट द फाइटिंग वुड एंड वी कुड ऑल गो होम, कि लड़ाई जो है उसका अंत होगा और हम सब अपने घर वापस जा सकेंगे। आई थिंक दैट इज व्हाट एवरी सोल्जर वांट्स, और मैं ये सोचता हूँ कि यही सब हर एक सोल्जर यानी कि हर एक सैनिक चाहता है, ऑन बोथ साइड्स, दोनों ही तरफ से, जर्मन्स की तरफ से भी और ब्रिटिश की तरफ से भी, प्रत्येक सैनिक यही चाहता है। हैंस वुल्फ ने कहा, टेक केयर जिम मैकफर्सन, अपना ध्यान रखो। आई शिल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट, मैं इस मोमेंट यानी कि क्षण को, इस पल को कभी नहीं भूल पाऊंगा। नोर यू, और ना ही तुम, यानी कि तुम भी नहीं भूलोगे। ही सैल्यूटेड, उसने नमस्कार किया। एंड वॉकड अवे फ्रॉम मी स्लोली अनविलिंगली, और मेरे पास से धीरे धीरे, अनविलिंगली, ना चाहते हुए भी, अनिच्छापूर्वक वो चला गया। आई फेल्ट, मैंने महसूस किया कि वो अनविलिंगली मतलब वहाँ से चला गया।
ही टर्न टू वेव जस्ट वंस, और सिर्फ उसने एक बार हाथ हिलाया, एंड देन बिकेम वन ऑफ द हंड्रेड्स ऑफ ग्रे कोटेड मैन ड्रिफ्टिंग बैक टूवर्ड्स देयर ट्रेंचेस। और इसके बाद वन ऑफ द हंड्रेड्स ऑफ ग्रे कोटेड मैन, ग्रे कलर के जो कोट पहने हुए थे सैकड़ों लोग, वो भी उनमें से एक बन गया, ड्रिफ्टिंग बैक, जो वापस जा रहे थे टूवर्ड्स देयर ट्रेंचेस, अपनी ट्रेंचेस के अंदर, अपने मतलब खाइयों के अंदर जो उन्होंने खोदी हुई थी। दैट नाइट बैक इन आवर डगआउट्स, डगआउट्स, डगआउट्स का मीनिंग है एक ऐसा रूम जो अंडरग्राउंड बनाया जाता है सैनिकों के लिए युद्ध के टाइम। और उस रात वापिस जब हम अपने डगआउट्स में गए, वी हर्ड देम सिंगिंग अ कैरोल, तो हमने उनको कैरोल यानी कि सॉन्ग, एक सॉन्ग गाते हुए सुना, एंड सिंगिंग इट क्वाइट ब्यूटिफुली, और वो बड़ी सुंदरता से गा रहे थे इसको। इट वॉज स्टिल नैच, स्टिल नैच, स्टिल नैच मतलब साइलेंट नाइट यानी कि शांत रात्रि, और वो जो गाना गा रहे थे वो एक शांत रात्रि के बारे में गा रहे थे। आवर बॉयज गेव देम अ राउजिंग कोरस ऑफ वाइल्ड शेफर्ड्स वोस्ट, और हमारे बॉयज यानी कि हमारे सैनिकों ने भी उनको वापिस, उन्होंने भी गाया, और उन्होंने जो गीत गाया वो था वाइल्ड शेफर्ड वोस्ट, वाइल्ड शेफर्ड वोस्ट, वोस्ट यानी कि उन्होंने उनके जवाब में यानी कि उनके आंसर में ये गीत गाया। वी एक्सचेंज्ड कैरोल्स फॉर अ वाइल्ड, और हमने फिर यानी कि आदान प्रदान किया अपने गानों का, हमने उनको सुनाया, उन्होंने हमें सुनाया, एंड देन वी ऑल फेल साइलेंट, और फिर हम सब चुप हो गए। वी हैड हैड आवर टाइम ऑफ पीस एंड गुडविल, अ टाइम आई विल ट्रेजर एज लॉन्ग एज आई लिव, और फिर हमने क्या किया, वी हैड हैड आवर टाइम ऑफ पीस यानी कि हमने शांति का, और गुडविल में सद्भावना, शांति और सद्भावना का समय बिताया। अ टाइम, एक ऐसा समय बिताया, आई विल ट्रेजर एज लॉन्ग एज आई लिव, ट्रेजर मीन्स एक तरह से खजाने को कहते हैं, पर यहाँ इसका मीनिंग है संभाल के रखना खजाने के रूप में, पर एक ऐसा समय जो मैं खजाने के रूप में, एज लॉन्ग एज यानी कि जब तक आई लिव, जब तक मैं जीऊँगा, मैं इसको खजाने के रूप में संभाल के रखूँगा, एक ऐसा समय हमने अपने एक दूसरे के साथ बिताया। इसके बाद आगे कहते हैं जिम मैकफर्सन, डियरेस्ट कोनी, बाय क्रिसमस टाइम नेक्स्ट ईयर, यानी कि अगले साल क्रिसमस के टाइम तक, दिस वॉर विल बी नथिंग, ये जो वॉर है वो कुछ भी नहीं रहेगा, बट अ डिस्टेंट एंड टेरिबल मेमोरी, बल्कि एक दूर की और एक भयानक याद रह जाएगी और कुछ भी नहीं रहेगा। आई नो फ्रॉम ऑल दैट हैपन टूडे, और ये सब मुझे पता चला है उस घटना से, दैट हैपन टूडे, जो आज घटित हुई है। हाउ मच बोथ आर्मीज लॉन्ग फॉर पीस, कि कितना ज़्यादा दोनों तरफ की सेनाएं, दोनों तरफ की आर्मीज शांति के लिए मतलब कितनी इच्छा रखती हैं, वो कितना चाहती हैं कि शांति हो जाए। वी शैल बी टुगेदर अगैन सून, और हम जल्दी ही इकट्ठे हो जाएंगे, मिलेंगे यानी कि, आई एम श्योर ऑफ इट, मुझे इसका विश्वास है, योर लविंग जिम। और लास्ट में एंड कर देते हैं इस लेटर का। तो इस तरीके से उन्होंने ये लेटर कोनी को लिखा हुआ था, और इसमें पूरी एक युद्ध की जो घटना थी, जो युद्ध के टाइम उनके साथ घटित हुई थी क्रिसमस की ईव पे, तो वो सारी वो इस लेटर में बताते हैं। इसके बाद वी स्टार्ट पार्ट थर्ड ऑफ दिस लेसन, आई फोल्डेड द लेटर अगेन, दोबारा से स्टोरी वहीं आ जाती है जहाँ से शुरू हुई थी। यहाँ ऑथर को एक लेटर मिला था, और सॉरी एक रोल टॉप डेस्क मिली थी, और उस रोल टॉप डेस्क को वो घर ले आए थे, उसमें से उनको एक लेटर मिला था। वो लेटर जो है वो वैसे पढ़ना नहीं चाहिए था उनको, पर फिर भी उन्होंने इसको पढ़ा था, और इस लेटर में जो लिखा था वो सब पढ़ने के बाद आगे ये स्टोरी है। आई फोल्डेड द लेटर अगेन, मैंने लेटर को दोबारा से बंद किया, एंड स्लिप्ड इट केयरफुली बैक इनटू इट्स एनवेलप, और मैंने बड़ी सावधानी से वापस इसको इसके
एनवेलप में रख दिया, लिफाफे में रख दिया। आई केप्ट अवेक ऑल नाइट, मैं पूरी रात जागता रहा। बाय मॉर्निंग आई न्यू वट आई हैड टू डू, और सुबह के टाइम मैं जानता था मुझे क्या करना है। आई ड्रोव इन टू ब्रिडपोर्ट, ड्रोव यानी कि गाड़ी चलाकर, और मैं गाड़ी से ब्रिडपोर्ट गया जस्ट अ फ्यू माइल्स अवे। आई आस्क द बॉय, और कुछ मील चलने के बाद मैंने एक लड़के से पूछा, वॉकिंग हिज डॉग, जो अपने डॉग के साथ घूमने आया हुआ था, वेयर कॉपर बीचेस वॉज, कि कॉपर बीचेस कहाँ था। हाउस नंबर 12 टर्नड आउट टू बी नथिंग, टर्नड आउट मतलब पता चला, हाउस नंबर 12 जो था वो कुछ भी नहीं था, बाद में पता चला उसको कि ये तो कुछ भी नहीं है, बट अ बर्नड आउट शेल, बल्कि एक शेल का मतलब हम रूम भी ले सकते हैं, अ बर्नड आउट मतलब एक जली हुई या एक जला हुआ रूम के सिवाय यह कुछ नहीं था। द रूफ गैपिंग, इसकी जो छत थी वो नहीं रही थी अब। द विंडोज बोर्डेड अप, खिड़कियों में बोर्ड लगे हुए थे। आई नॉक्ड एट द हाउस नेक्स्ट डोर, और फिर मैंने अगले दरवाजे को, अगले घर के दरवाजे को नॉक किया। एंड आस्क्ड, और पूछा, इफ एनीवन न्यू द वेयर अबाउट्स ऑफ अ मिसिस मैकफर्सन, वेयर अबाउट्स मतलब ठोर ठिकाना, और मैंने पूछा कि क्या कोई जानता है एक जो मिसिस मैकफर्सन थी यहाँ रहती थी उनके ठोर ठिकाने के बारे में, जानता है कि अब कहाँ है वो। ओहो यस सेड द ओल्ड मैन इन ही स्लीपर्स, एक बूढ़े आदमी ने जो स्लीपर्स डाले हुए था, चप्पल डाले हुए था, उन्होंने कहा, हाँ ही न्यू हर वेल, वह उनको अच्छे से जानता है। अ लवली ओल्ड लेडी, यानी कि बहुत ही अच्छी एक बूढ़ी महिला थी ये, ही टोल्ड मी, उन्होंने मुझे बताया। अ बिट मडल हेडेड, मडल हेडेड मीन्स कन्फ्यूज्ड, जैसा कि ओल्ड एज में हो जाता है कोई भी व्यक्ति, उन्होंने कहा वो थोड़ी सी कन्फ्यूज थी, बट एट हर एज शी वॉज एंटाइटल टू बी, वॉजंट शी, यानी कि इस एज में तो शी वॉज एंटाइटल टू बी, इस एज में तो वो इसी लायक थी, वॉजंट शी, क्या नहीं थी। आ 101 ईयर्स ओल्ड, अब वो एज बता रहा है वो आदमी उनके बारे में, कि जो मिसिज मैकफर्सन है इस टाइम वो 101 ईयर्स ओल्ड है, 101 साल की हो गई है अब। शी हैड बीन इन द हाउस वेन इट कॉट फायर, यानी कि तब वो घर में ही थी जब इस उनके घर को आग लगी थी। नो वन रियली न्यू हाउ द फायर हैड स्टार्टेड, और वास्तव में कोई नहीं जानता कि ये जो आग लगी थी वो कैसे शुरू हुई थी। बट इट कुड वेल हैव बीन कैंडल्स, पर ऐसा हो सकता है कि शायद ये कैंडल्स की वजह से लगी हो, कैंडल्स मोमबत्तियों की वजह से लगी हो। शी यूज्ड कैंडल्स रादर देन इलेक्ट्रिसिटी, जब क्योंकि वो बिजली की बजाय, इलेक्ट्रिसिटी की बजाय मोमबत्ती यूज़ करती थी अपने घर में। बिकॉज शी ऑलवेज थॉट इलेक्ट्रिसिटी वॉज टू एक्सपेंसिव, क्योंकि वो हमेशा ये सोचती थी कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो बहुत ज़्यादा महंगी है। द फायरमैन हैड गोट हर आउट जस्ट इन टाइम, और फायरमैन ने उसको समय पर ही बाहर निकाल लिया। शी वॉज इन अ नर्सिंग होम नाउ, अब वो एक नर्सिंग होम में रहती हैं, ही टोल्ड मी, उन्होंने मुझे बताया। बर्लिंगटन हाउस, फिर उन्होंने एड्रेस दिया वहाँ का, बर्लिंगटन हाउस ऑन द डोर चेस्टर रोड ऑन द अदर साइड ऑफ टाउन, शहर के दूसरी साइड डोर चेस्टर रोड पर बर्लिंगटन हाउस है, वहाँ के एक नर्सिंग होम में वो इस टाइम रहती है। नाउ आई एम गिविंग ओनली टू क्वेश्चंस फॉर योर होमवर्क। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड द ऑथर गो टू ब्रिडपोर्ट, सेकेंड क्वेश्चन हाउ ओल्ड वॉज मिसिज मैकफर्सन नाउ, वेयर वॉज शी। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है कि जो ऑथर है वो ब्रिडपोर्ट क्यों गया, और सेकेंड क्वेश्चन है मिसिज मैकफर्सन अब कितनी एज की है इस टाइम, वेयर वॉज शी, और अब वो कहाँ है। यू हैव टू राइट दीज क्वेश्चंस इन योर नोटबुक, यू हैव टू राइट सम वर्ड मीनिंग्स ऑल्सो इन योर नोटबुक। डम्प्ड, गोल पोस्ट, स्टैम्पिंग, मिंगलिंग,
रिसॉल्व, ऑर्फन, जेनरसली, अनविलिंगली, ड्रिफ्टिंग, डगआउट्स, कैरोल, राउजिंग, कोरस, ट्रेजर, टेरिबल. We will read the remaining part of this lesson tomorrow. Thank you.